और सामने आप देख भी सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत मिशन का ये है और इन्होंने ये सब बना रखा है। तो ये सब बनाने का क्या फ़ायदा दोस्तों, अगर इस तरीके से तुमने कूड़ा उठाना नहीं है तो यहाँ ये सब बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में लोग बाग इसको उखाड़ के फेंक दे। तो ये जो है शासन प्रशासन ने इसका उठाने का काम करना चाहिए। और अब हमें लग रहा है कि हम को अपने इधर साइड के जो है टिपोला के जो विधायक वगैरह इनके पास भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये लोग ऐसे मानेंगे नहीं। जब तुमने ये बना रखा है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और जब तुम साफ कर नहीं सकते उसको उठा नहीं सकते तो फिर ये बनाया क्यों यहाँ पर? और जब यहाँ पर सारे लोग अब कूड़ा डालने लग गए हैं, सारे लोग सही तरीके से अपने अपने इलाके में सफाई कर रहे हैं और तुम इस तरीके से कर रहे हो, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। और ये सब करने के लिए अगर तुमने बनाया था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था, इससे अच्छा तो लोग अपने घर पर इसको रखते थे और आग लगा देते थे तो कम से कम इतना कूड़ा नहीं होता था। अब देखिए एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ और दूसरी तरफ ये कूड़ेदान में और इसके बाहर इतना कूड़ा कर रखा है। वो तो गलती से मैं आज इधर को आ गया तब मैंने देख लिया। तो दोस्तों अभी आज मैं बढ़ता हूँ अकेले रिस्कना पुल की तरफ को, क्योंकि ऊपर को भी लड़के हैं रोज़ रोज काम करके, वो भी थक जा रहे हैं, मैं तो खैर थक रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ये जो काम का शुरुआत की है तो इससे मैं मुझे तो पूरा करना ही है, लेकिन अब मेरे साथ साथ में सारे लोग थक जा रहे हैं तो उनको आज रेस्ट देने के लिए मैं आ गया हूँ इधर रिस्कना की तरफ को। और दूध लेने भी मैं बहुत दिनों से गया नहीं, तो मैं दूध की बोतल भी लेकर के जाता हूँ और वहाँ पर दूध का बोतल रखता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर को जो कूड़ा है हम इतनी सफाई कर रहे हैं, और जबकि आजकल हम कूड़ा उठाने का अभी सिर्फ झाड़ वगैरह काटने का काम कर रहे हैं, और जब अगर हमने कूड़ा अगर उठाया होता तो फिर कितना हो जाता। और ये देखिए कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है कूड़े का, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब जब हमने कूड़ा इतना वो करा है भरा है, तो इतने बार हमने ग्राम प्रधान जी को भी बोला कि भाई आप जो है वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए कि भाई ये कूड़ा यहाँ भर गया है इसको हटाइए, और उनकी ओर से भी कोई वो नहीं किया गया या किया नहीं किया पता नहीं। और आप देखिए अब यहाँ कूड़े का क्या हाल है, और जब अगर हम इतने दिनों रोज अगर हमने कूड़ा उठाया होता तो ये पूरे इसके चारों तरफ को लग जाता। तो आज फिर ग्राम प्रधान जी से एक बार बात करनी पड़ेगी मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानती हैं कि हमारा जो सफाई का अभियान है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, और आज हमारा इरादा था कि हम जो है ये रिस्कना पुल है जो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम यहाँ रिस्कना पुल से झगड़िया बांध पुल तक करेंगे और वहाँ से जो सगनेटी को जाने वाला पुल है वहाँ तक सफाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आज बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि सफाई अभियान के तहत हम लगे हुए सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा करने में और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप कूड़ा जो है इधर उधर ना फेंके, उसको इकट्ठा करें और उसे जो शासन प्रशासन द्वारा जो सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है सफाई अभियान की, और जो उन्होंने एक कूड़ा कलेक्शन सेंटर यहाँ पर बना रखा जहाँ पर आपका कूड़ा इकट्ठा होता सारा आपके मार्केट का अपने गांव का, तो वहां पर डालें, और वहां पर लोग डाल भी रहे हैं, लेकिन अब शासन प्रशासन सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है। तो सारा कूड़ा वहां पर इकट्ठा हो गया है, जो आपके मार्केट की जो एंट्री है उसी में इतनी गंदगी हो गई है। तो इसके वजह से आज थोड़ा सा माइंड काफी अपसेट है, और इस चीज को लेकर के हम अब जाएंगे आगे और हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे। और आज की वीडियो में हम ज्यादा तो इस तरीके से आज हमारा मूड है नहीं बनाने का काम करने का, क्योंकि हमने तो जो सफाई का अभियान था यहां से आज शुरू करने वाले थे। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़।
दोस्तों सफाई अभियान के चक्कर में बहुत दिनों से डिप्स भी नहीं लगाए और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो आज कोशिश करते हैं कि अगर हाथों ग्रह सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से जो है डिप्स नहीं लगाए तो शायद लग पाए या नहीं लग पाए, लेकिन अभी ठीक है। अपनी आदत में इसको रोज रोज करना चाहिए, लेकिन हम आजकल ज़्यादा व्यस्तता के कारण कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ऐसे शासन प्रशासन की इस तरीके से अगर व्यवस्थाएं हैं, जब तुमने ये सब कुछ इधर बना रखा कूड़ेदान और इसको उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे व्यवस्थाएं बनाने का। और हम चाहे कितनी भी सफाई कर ले, कितना भी कूड़ा हम साफ करके यहाँ पर डाल दें और ये सब चीज़ें यहाँ फैलनी है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि भाई इधर से दरवाज़ा इन्होंने ऐसे बना रखा है इस पर, और जितना भी अंदर डालेंगे तो सारा कूड़ा बाहर ही आएगा। तो अगर इस तरीके से इन्होंने काम करना है तो ये किसी काम का नहीं है दोस्तों। और जब कूड़ा जब तक आप उठाएंगे नहीं, तब तक का ये कूड़े का ढेर बनता जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि ऐसी स्पेस नहीं है, इस तरीके से ये बनाया गया है कि अंदर से कूड़ा जितना है सारा बाहर आएगा। तो अब ये देखिए आप, हमारा जो सफाई का अभियान है, एक साफ सुथरा सुंदर जो टिपोला को बनाने का हमारा अभियान है, और सब हम कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बावजूद अब ये कूड़ा यहाँ पर फैल गया है, तो यहाँ पर बाहर में ओपन में कूड़ादान बन गया है। और अगर इस तरीके से लोग बाग जो पहले से करते थे भाई, अपने घर के आगे से जब कूड़ा उड़ा इकट्ठा करते थे, उसको आग लगा देते थे, तो अगर उस वक्त अगर ये कूड़ा इस तरीके से कहीं आप जो को एक जगह पर इकट्ठा नहीं दिखाई देता था, अब ये व्यवस्था ऐसी है, तो हम शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि अगर ये व्यवस्था आपने करी है तो इसको उठाने की भी व्यवस्था आप लोग करें। तो हम इसको आप अलग अलग ग्रुप में भी भेजेंगे, और हो सके तो इसको हम जो है क्या शासन प्रशासन और विधायक वगैरह जो यहाँ के हैं और चीफ मिनिस्टर को भी हम भेजने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जो आपका जो लिख रखा है कि कूड़ा कलेक्शन सेंटर है ये हमारा टिपोला में, और ये कहते हैं कृपया प्लास्टिक कूड़ा निर्धारित बॉक्स में ही डालें, और ये सब कुछ कर रखा है ये, तो हम इसकी कंप्लेंट भेजेंगे कि आपने जो व्यवस्था करी है, हम तो अपना कूड़ा यहाँ तक ला रहे हैं लेकिन आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। जब गांव वाले जब लोग बाग सब जो पब्लिक है वो अपना काम कर रही है, सफाई अभियान में पूरा सहयोग दे रही है और सारा कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर रही है, तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस बात का हमें बहुत ही अफसोस है, और आज हम करेंगे ये सारे आज का वीडियो हम जो है सब लोगों को भेजेंगे, ताकि जो है शासन प्रशासन अपना काम सही ढंग से करे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये काम होता रहा, तो ऐसे अगर सफाई जो हमारा अभियान है इसमें अगर कूड़ा वगैरह इस तरीके से इकट्ठा रहेगा, तो हमारा भी जो मिशन है सफाई का, उसमें भी रुकावट आएगी और उस पर भी हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम सारा कूड़ा और जगह तो हम फेंक नहीं सकते, क्योंकि हमने भाई अपने मिशन के अंतर्गत एक साफ सुथरा स्वच्छ सुंदर टिपोला जो बनाने की बात हम लोगों ने की है। और इस तरीके से करेंगे तो फिर कूड़ा ऐसे ही होगा, और हम ये कूड़ा दूसरी जगह भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अब शासन प्रशासन का काम है कि वह अपना दायित्व तो सही से निभाए, अपना काम सही से करे और वक्त वक्त पर जो है इस कूड़े को उठाए। क्योंकि यहाँ पर से अगर उन लोगों को लगता है कि गाड़ी न भेजे, तो कम से कम वहाँ यहाँ पर जैसे
यहाँ को देखने वाले ग्राम प्रधान हैं उनसे पता कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है तो हम उसको उठाने के लिए आते हैं या नहीं आए, तो उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरीके से है तो ऐसे आज हमारा मूड बहुत ही ख़राब है और इस चक्कर में हमारा मन भी नहीं है कि हम आगे को जो काम करें। आज सफाई अभियान हम अपना निरस्त करते हैं, वरना मैं सफाई के लिए जा रहा था उधर को, तो ये सब चीज़ें तो बहुत गंदी हैं। और हम बिल्कुल अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम सारे ग्रुप्स वगैरह में भेजेंगे कि इन्होंने इतना कूड़ा जो है इकट्ठा कर रखा है ये, और इसको उठाने का नाम नहीं है। और यहाँ पर अब हमारे मार्केट पर जो एंट्री है, एंट्री पर ही इतना कूड़ा जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तो और ये जो इन्होंने ये जो कूड़ादान भी बनाया है ये भी सही से नहीं बनाया है, जबकि इसका जो दरवाज़ा इन्होंने बना रखा है कूड़ा, अगर ये बनाया था तो यहाँ पर से बंद करने का इसको बनाते और कूड़ा डालने का ऊपर से बनाते तो जो ये कूड़ा है इससे भी थोड़ा ज़्यादा कूड़ा ऊपर तक भर सकता था। लेकिन अब आप देखिए कि कितना जो है ये सफाई अभियान कितना इनका सफल हो रहा है, और इस तरह की जो व्यवस्था इन्होंने हर तरफ हर जगह ऐसी बनाई होंगी और हर तरफ ऐसा ही हर जगह अब कूड़ा ही कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा और पहले के मुताबिक। और अगर पहले ये लोग इस तरीके से योजनाएं नहीं चलाई थी तो कूड़ा जो है ऐसे इकट्ठा नहीं होता था एक जगह पर, लोग बाग उसको आग लगा देते थे अपने आसपास में इकट्ठा करके, लेकिन अब यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं तो अब ये स्थिति है। तो आप लोग अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि सरकार की ये योजना क्या अच्छी है या कैसी है, क्योंकि अगर इस तरीके से कूड़ा करना है तो ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है, ये सरकार के पैसे की बर्बादी है। तो इस तरह की बर्बादी जो है आम जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करना तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सरकार की ये स्वच्छ भारत मिशन का हाल। अब ये देखिए, जब सरकारी तंत्र ये कूड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ये हमारे जानवर, ये सारा कूड़ा जो इसमें से बाहर आ चुका है और ये हमारे जानवर इसको खाने को मजबूर हैं, और फिर ये प्लास्टिक वगैरह सब इनके पेट में जाएगा और फिर ये पड़ेंगे बीमार, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब आप इस तरीके से इस कूड़े को उठा नहीं सकते हैं तो इस तरह की योजनाएं को अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये ऐसी योजनाएं चला करके क्या फ़ायदा। और इस क्योंकि इससे तो आप वहाँ के लोगों को भी बीमार कर ही रहे हैं और वो वहाँ के जो जानवर हैं उनको भी बीमार कर रहे हैं और उनका भी स्वास्थ्य इससे ख़राब होगा। दोस्तों ये देखिए, और ये कूड़ा है, और एक तरफ हमारा चल रहा है सफाई अभियान और दूसरी तरफ ये कूड़े के ढेर यहाँ पर लग गए हैं और इससे ये हमारे जानवर भी बीमार होंगे। चल जा, नहीं खाते हैं, चलो चलो आगे जाओ बाबू, नहीं खाते हैं, चलो चलो नहीं खाते हैं, चलो जाओ जाओ जाओ, बीमार हो जाओगे, चलो बीमार हो जाओगे, जाओ जाओ जाओ, चलो 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 बीमार हो जाओगे, इसको नहीं खाते हैं, गंदी चीज़ है, गंदी चीज़, चलो आगे बढ़ो बाबू, नहीं इसको नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं, चलो 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 जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बीमार हो जाओगे तुम लोग, चलो जाओ जाओ, चल जा चल 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 आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, बीमार हो जाओगे नहीं तो, चलो जाओ हमारे साथ, तुम भी बीमार हो जाओगे, आगे बढ़ो, हम तो इस गंदगी से बीमार होंगे जिससे कि जो है ऐसे कीटाणु इससे फैलेंगे और बीमारियां फैलेगी, हमारे साथ साथ तुम भी बीमार हो जाओगे, जाओ बाबू आगे जाओ, शाबाश बीमार नहीं होना है, जाओ। तो दोस्तों अब इसमें जब कूड़े में अंदर अटकने की जगह नहीं है दरवाजा खोल करके तो ये कूड़ा बाहर ही आना है, और ये हमारे पालतू पशु भी हमारे जो है इससे बीमार होंगे और हम तो खैर होंगे ही होंगे क्योंकि इससे फिर कीड़े मकोड़े, ये देखो फिर आ रहा है, चल नहीं खाना है तेरा कूड़ा, कूड़ा खाने के लिए नहीं खाना है कूड़ा, चलो 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 चलो, कूड़ा नहीं खाना है, कूड़ा नहीं खाना है, बीमार हो जाओगे, चलो आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। नमस्कार, कूड़ा नहीं खाना है, बीमार पड़ जाओगे, देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि जब ये कूड़ा इसी तरीके से पड़ा रहेगा तो हमारे जानवर उसको छोड़ेंगे नहीं और ये कूड़ा खाने को मजबूर है। तो अब इसमें हमारे सफाई के साथ साथ में अब इसकी भी ड्यूटी रहेगी, इसके लिए एक आदमी यहाँ पर 24 घंटे लगाना पड़ेगा जो कि किसी भी जानवर को जो आए और उसको ये कूड़ा करकट खाने न दे जिससे वो बीमार न पड़े। तो अब ये सरकार ने आम आदमियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है,
तो दोस्तों, इतने दिनों से जो हमारा सफाई का अभियान चल रहा है, इसने आज हमारा पूरा मूड जो है खराब करके रख दिया है। क्योंकि जब हम सब तरफ से, चारों तरफ से यहाँ साफ सुथरा बनाने में लगे हुए हैं, और जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये योजनाएं चल रही हैं, और जो कूड़ा करकट पहले बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, थोड़ा बहुत जो दिखाई देता था किनारे पर घरों के आगे से, उसका ढेर अब आप अपने मार्केट की जो एंट्री है वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके की योजनाओं को चलाना ही है तो फिर उनको पूरा आगे तक का, उसका निस्तारण तक का जो है सोचना चाहिए कि इसको कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरीके से इसको आप डिस्पोज करेंगे। अगर इस तरीके से तुमने छोड़ना है तो फिर तो शहर शहर हर जगह जो है कूड़े के ढेर लग जाएंगे, फिर तो ऐसे योजनाओं को चलाकर कोई फायदा नहीं। या फिर अगर आपने इधर कोई ऐसे डिस्पोज करना है तो इधर ही कहीं एक ऐसा डिस्पोज करने के लिए बनाते जहाँ पर या तो आग लगाने का होता या कुछ और चीज़ होती, तो इस तरीके का काम करते। लेकिन ये बहुत ही एक सही सिस्टम नहीं लगा है, तो इसका बहुत अफसोस है हमको। तो हम जो हमारे इधर दोराहाट क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं उन पर ध्यान दें, सरकार को भाई आगाह करें कि इस तरह की योजनाएं जो है आपके शहर में और गंदगी फैलाएंगी और बीमारी फैलाएंगी। तो ये कोई अच्छा जो है व्यवस्था हमको नहीं लगी, और हमारा जितना जो काम है उसने और हमारे लिए जो है आफत खड़ी कर दी है अब। और अभी नहीं तो आज मेरा था इरादा कि ये जो इलाका दिख रहा है इधर को हमको सफाई करनी है, और लोगों को मैंने अभी नहीं किया था रोड के इधर साइड में, और मैं आपको अपना ले करके चलता हूँ और आगे कि कहाँ से कहाँ तक का हमारा अभियान है सफाई करने का। तो दोस्तों, एक तरफ तो लोग बहुत खुश हैं कि हमारा जो चैनल है पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़, उसने एक ऐसी पहल की है जो तिपोला को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए आगे आया है और पूरे जी जान से अब उस पर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ हैं ये सरकारी योजनाएं जो कूड़े को एकत्र करने के लिए बनाई गई है, जिसको कि साफ सुथरा, स्वस्थ, सुंदर बनाने के लिए और स्वच्छता अभियान जो सरकार की ओर से चलाया गया है उसको देख करके दिल अब जो है लोगों के भी आहत हो रहे हैं। वो कह रहे कि एक तरफ तो पहाड़ के रंग जो है सफाई अभियान में लगा है और दूसरी तरफ जो सरकारी तंत्र है वो अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही जो है आहत करने वाला है, और इसलिए अब हमको लग रहा है कि हमें मुख्यमंत्री पोर्टल पर ये डालना पड़ेगा इसको, कि जो है ऐसी योजनाओं को अमल में लाए हैं तो उसको पूरा आप करें। तो इससे ज़्यादा आपके योजनाओं से अब हमें लग रहा है कि और बीमारी जो है फैलने वाली है हमारे घर में। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके वहाँ साफ सफाई वगैरह होगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज जब आप लोग देख रहे हैं कि हम इतने दिनों से तिपोला मार्केट को पूरा साफ सुंदर स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, और आज जब मैं गया उधर की तरफ को, रिस्कना के पुल की तरफ को गया दूध लेने के लिए और सफाई के लिए, तो तब मैंने आपको दिखाया रास्ते में किस तरीके से जो कूड़ा है वो इकट्ठा कर हो गया है। तो दोस्तों, ये सफाई अभियान तो अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारे इलाके में और भी बीमारी फैलाएगा, तो इसके वजह से आज हमारा मूड बहुत ही खराब हुआ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे किसी नई वीडियो के साथ पे। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।